गिरिराज महाराज की, वैसे गिरिराज गोवर्धन की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ देखो आप लोगों ने गिरिराज की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनी है, इसलिए हम लोग जब भी सारा दुनिया में अभी गिरिराज की कथा होती होगी सब दुनिया में, लेकिन अगर सही सही विचार करके ना, श्री गुरुदेव का संस्पर्श में जो भक्त लोग आए, जितने कथा हमारी गौड़ीय मठ में श्री गुरु जी की कृपा से हमारी पास में, हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा से हमें जितने कथा सुनने को मिलती है ना, अब विश्व ब्रह्मांड में चले जाओ कहीं भी आपको इतने कथा सुंदर नहीं मिलने को नहीं मिलेगी। बोले श्री गुरुदेव की जय। इसलिए इसी दृष्टिकोण से हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जब श्री गुरु जी के श्री चरण में हम लोग आए हुए हैं। इसलिए हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, राधा रानी स्वयं कहती हैं हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज। इसलिए गिरिराज गोवर्धन कौन है, भगवान की जितने सेवकों में ये सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। क्या नाम है? ये गोवर्धन का मतलब क्या होता है? कहते इनकी जो हरिदासत्व, मतलब भगवान की सबसे जो बड़े ये सेवक है, कहते ये गोवर्धन, गुरुदेव कहते ये गोवर्धन नाम में ही इनकी सारी महिमा है। इसलिए हमने श्रवण किया था, एक हरिदास कौन है, श्री युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास वर कौन है, श्री उद्धव जी। लेकिन ये हरिदासों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले कारण क्या? बोले कारण है, कहते इन्होंने कृष्ण की जितने सेवा की है ना, और इतने सेवा किसी ने कृष्ण की नहीं की। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जैसे अभी राधा कुंड को पास में, कहते विशेष करके गुरुदेव कहते थे एक स्वरूप में तो हरिदास है, गुरुदेव कहते थे ये हरिदासी भी है। कौन है गिरिदास? हरिदासी। गुरुदेव कहते थे हरिदासी क्यों? कारण क्या? बोले कारण है, जैसे अगर जैसे कोई गोपी हो ना, उनका जो श्रृंगार लीला, जो कुंज लीला है, वो कुंज लीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, तो उसमें प्रवेश कौन कर सकता है? कहते उनको अंदर में प्रवेश केवल ये गोपियां ही कर सकती है। इसलिए कृष्ण जो कुंज कुंज में, उनकी कंदरा कंदार में जो राधा रानी को साथ में मिलते थे, यहाँ पर जो बासंती रास कृष्ण ने की है, अभी बताओ वहां पर कौन प्रवेश कर सकती है? तो गोपियां तो प्रवेश कर सकती है, और तो कोई प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये हरि दासी, ये हरिदास तो है ही है, लेकिन ये हरि की दासी भी है। एक गोपी स्वरूप से भी गिरिराज गोवर्धन उपासना कर रहे हैं। तो गुरुदेव इसका प्रमाण देते थे, क्योंकि उद्धव जी, जब उद्धव जी ब्रज में गए और उनने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, जो लोभ है ना, ये ब्रज गोपियों के प्रति इनके लोभ हो गया है। ब्रज गोपियां कहते अगर जगत में कोई सर्वश्रेष्ठ जीवन धारण करना सार्थकता है, किसकी सर्वश्रेष्ठ जीवन धारण करना, बोले ये ब्रज गोपियां है। क्योंकि जो प्रेम को कहते मैं स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी, जिस प्रेम के लिए हम भी स्वयं लालायित हैं, कहते जो सौभाग्य को स्वर्ग की देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर पाए, देवी भी प्राप्त नहीं कर पाए, जो सौभाग्य को लक्ष्मी नहीं पार कर पाए, वो सौभाग्य ये ब्रज की गोपियों ने प्राप्त किया है। इसलिए उद्धव जी के हृदय में भी ये गोपी भाव प्राप्त की इच्छा हुई। जब इच्छा हुई, अभी सोच रहे हैं भैया इच्छा कैसे पूरी होगा, अगर आपके पास में 100 रुपया होगा तभी तो किसको 50, 60, 70 राशि दे सकते हो, अगर आपके पास में 10 रुपया होगा 50 रुपया 60 रुपया थोड़ी दे सकते हो, वो दे ही नहीं सकते हो। अभी जिसके हृदय में वो भावना होगा वो तो हमें प्रदान करेगा ना। बोले भैया किसकी हृदय में ये दिव्य भावना है? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन के अंदर में। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए ये हरिदास भी है, ये हरिदासी भी है, लेकिन किसने कहीं बोल दिया था नहीं, वो हरिदासी नहीं, हरिदास है ये, उनके दास्य रूप में सख्य रूप में सेवा करते हैं। लेकिन गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बताई, गुरुदेव ने कहा अगर ये लवंग मंजरी हो तो, फिर उन्हें गिरिराज क्यों परिक्रमा लगा रहे?
अगर वो सख्य रहस्य होते तो फिर ये गिरिराज हमारे गुरुदेव भी यहीं पर बैठ कर भजन किया है, यहीं पर उन्होंने कठोर भजन किया। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन ही राधा रानी की चरण की सेवा ये गिरिराज गोवर्धन दे सकते हैं। इसलिए ब्रज गोपियां कहती हे हरिदास ब्रज, हरिदासों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए क्या करो हमारी इच्छाओं को आप कृपा करके पूरी करें। हम भी गुरुदेव के अनुगत्य में हम भी गिरिराज से प्रार्थना करेंगे। यद्यपि हमारे हृदय में अनर्थ है, अपराध है, हमारे हृदय में कितने तरह का गंदगी पड़ा हुआ, लेकिन गुरुदेव एक बात कहते थे, ये जीवन में केवल लक्ष्य को स्थिर कर लो। क्या स्थिर कर लो? जैसे कोई सीए करता है, इंजीनियर 10 साल पहले वो लक्ष्य स्थिर कर लेता है। इसलिए भले ही हमको किसी जीवन में क्यों नहीं मिले, लेकिन केवल एक स्थिर रखेंगे, क्या? महाप्रभु के अनुगत्य में, श्री प्रभुपाद की धारा में, गुरु जी के अनुगत्य में राधा रानी के चरण की सेवा ही हमारे एकमात्र काम में है, श्री गिरिराज गोवर्धन के चरण में। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री राधे। अभी चलो हम सबके सब जाएंगे दीपावली देने के लिए, सब सब निकल रहे हैं। चलो हम लोग मानसिक गंगा जाएंगे ना, हम मानसिक गंगा पे आज हम दीपावली करेंगे, हैं सबके सब। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो।